हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अनस है। पहले आप ये वीडियो देख लें, फिर हम बात करते हैं। डॉक्टर, बोलिए। मैं जब भी सेक्स करता हूँ ना, तो मेरी धड़कनें तेज हो जाती है, और जब वीर्य निकलने वाला होता ना, तो मेरी सांसें और लंबी हो जाती है। शराब पीते हैं ना? जी। और सिगरेट? जी, बहुत ज़्यादा। ये सब इसीलिए होता है, जो लोग सिगरेट और शराब जरूरत से ज़्यादा पीते हैं, उन्हीं के साथ ये सारी दिक्कतें आती हैं। जितना जल्दी हो सके सिगरेट और शराब पीना छोड़ो, वरना आपकी सेक्स पावर बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। जी डॉक्टर, मैं छोड़ने की कोशिश करूँगा। कोशिश मत करो, छोड़ दो। अच्छा, कितनी देर लगाते हो सेक्स करने में? मेरा मतलब ये है कि आपका वीर्य कितनी जल्दी निकलता है? यही कोई 4-5 मिनट में। अच्छा ये बताओ, आपकी शादी में कितने दिन? डॉक्टर, अभी 1 साल ही हुआ है मेरी शादी को। कोई बच्चा? अभी नहीं। तो आप आज ही से नशा छोड़ दो, वरना हो सकता है कि फ्यूचर में आपके बाप टलने में कोई प्रॉब्लम आए। अच्छा एक बात और बताओ, कभी हस्त मैथुन करते हो? जी, जब वाइफ पीरियड से होती है तो उसी से हस्त मैथुन करवा लेता हूँ। तो वीर्य की पिचकारी कितनी दूर बन जाती? पिचकारी तो छूटती नहीं है डॉक्टर, हाथ में ही टपक जाता है। शराब सिगरेट के अलावा और कौन कौन से नशे करते हैं? जी, चरस, गांजा और कभी कभी अफीम भी ले लेता हूँ। अगर आपको अपनी सेक्स पावर बरकरार रखनी है और आप बाप बनना चाहते हैं, तो ये सारी नशे की आदतें छोड़ो। बहुत बड़ी वजह है, बहुत बड़ा कारण है इस बात को लेकर कि अगर आप सिगरेट पीते हैं तो आपको सेक्सुअली वीकनेस और मर्दाना कमजोरी, जिसको हम कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा हो सकती है। और अगर साथ में आप ड्रिंक करते हैं, वाइन ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल को कोई भी यूज़ करते हैं, आप शराब कोई भी यूज़ करते हैं, किसी भी ब्रांड की यूज़ करते हैं, तो इससे ये 85% चांसेस हो जाते हैं कि आपको मर्दाना कमज़ोरी हो सकती है, और आहिस्ता आहिस्ता आपकी किडनी पर भी मसले असरअंदाज हो सकते हैं। नशा कोई भी है बहुत बुरा है, और शराब से आपको बचना चाहिए, सिगरेट नोशी से आपको बचना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपके जो अंदरूनी एब्डोमिन जो होते हैं, अज़ा जो होते हैं, वो आपके वीक होते हैं, और मर्दाना कमज़ोरी तो आपको बहुत ही ज़्यादा हो सकती है। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी आपको बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिल सकें।